हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लाई हूँ जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, ठीक है, जो कि 21 मई से लेकर 26 मई 2020 के बीच का है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी स्टूडेंट्स, ठीक है, बैंक PO, क्लर्क और SSC, RRB, NTPC, CHSL, CGL, UPSC प्री एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, MPSC की या जो भी दूसरे स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट स्टार्ट। दीदी व्हीकल सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द वुमेन ऑफ रूरल लवलीहुड मिशन इन द ट्राइबल डोमिनेटेड जहाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दिस सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर रूरल वुमेन फॉर द सेफ डिलीवरी, हेंस प्रोवाइडिंग टू बी अ लाइफ लाइन फॉर प्रेगनेंट रूरल वुमेन इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है, एक दीदी व्हीकल सर्विस जिसे लॉन्च किया गया है, ठीक है, बाय द वुमेन्स के लिए, जो भी रूरल लवलीहुड मिशन के तहत, ठीक है, जो ट्राइबल वुमेन्स के लिए, जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है जहाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, ठीक है, इस सर्विस के तहत जो रूरल वुमेन्स हैं उन्हें सेफ डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ एक ये एक तरीके का हम लाइफ लाइन कह सकते हैं उन प्रेग्नेंट, ठीक है, गांव देहात की औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए, जो लोग आज भी हॉस्पिटल जाने से कतराते हैं या उन्हें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो सेफ डिलीवरी हो सकती है, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सकता है, ठीक है, उन लोगों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब है माँ मी अन्नपूर्णा, ठीक है, मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव्स, एक मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव्स जो कि लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस है जो कि पार्ट ऑफ इट्स अ कमिटमेंट एज अ सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक मी अन्नपूर्णा करके एक इनिशिएटिव है जो कि महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ये एक इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस है, ठीक है, ये पार्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटी इन महाराष्ट्र। उन लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, यानी कि उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके फायदे के लिए, ठीक है, जो कि जो भी बुनियादी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं उन्हें मुहैया कराने के लिए, ठीक है, जो भी फार्मर्स हैं और एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लोग हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, अब है इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA ने अपॉइंट किया है दिलीप ओमेन को उसका नया प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड गोविंद राजुलु चिंताला जो कि अपॉइंट हुए हैं नबराद के प्रेसिडेंट, इन्हें अपॉइंट किया गया है। नबराद जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, ये क्या करता है कि रूरल बैंक को असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, फाइनेंशियली ग्रांट करता है, यानी कि फाइनेंशियली रूरल बैंक की हेल्प करता है, ये कह सकते हैं। चेयरमैन रेन हार्ट अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन अपॉइंट हुए हैं, वो है चेयरमैन रेन हार्ट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज अ डॉक्टर हर्षवर्धन विल टेक अ चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 34 एग्जीक्यूटिव वोट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं इंडिया के, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको चेयरमैन बनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के 34 एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, ठीक है। द ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट एंड बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैव टाई अप फॉर टू ऑफर द डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी टू द फ्लिपकार्ट कस्टमर। ठीक है, जो ई कॉमर्स जाइंट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट और बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसने एक टाई अप किया है ताकि तो वो प्रोवाइड करवा सकें फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स को एक डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन, ठीक है। द टू इंडियन पावर लिफ्टर्स, ठीक है, जिनका नाम है, दो इंडियन पावर लिफ्टर जिनका नाम है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, हैव बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। नाडा ने उन्हें सस्पेंड किया है प्रोविजनली तौर पर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, उन्होंने वॉलेट किए हैं, जो भी एंटी डोपिंग रूल्स होते हैं उन्हें वॉलेट किया है।
ठीक है आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन द 21st मे, जो इंटरनेशनल टी डे है उसको ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबल में, ऑल ओवर वर्ल्ड में 21st मे को। और जो इंटरनेशनल टी डे है इज टू ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अ टी प्रोड्यूसर्स और टी वर्कर्स, इसको इसलिए मनाया जाता है ताकि तो कोशिश की जाए इसके जरिए कि हम इम्प्रूव कर सकें जो भी टी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जो चाय का उत्पादन करते हैं और चाय के बागानों में, चाय की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में या चाय बागानों में जो वर्कर काम करते हैं उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग्स एंड डेवलपमेंट, जो कि 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 20 मई को, यानी कि 20 मई को हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बनाते हैं। एंटी टेररिज्म डे 2020 ये मनाया जाता है 21 मई को। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस JNNJNK हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव्स, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन है उसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है सुकून COVID-19 बीट द स्ट्रेस प्रोग्राम। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव्स है ये क्या करेगा कि स्प्रेड करेगा, फैलाएगा एक अवेयरनेस, एक जानकारी। ठीक है, जो लोग साइकोलॉजिकली यानी कि इम्पैक्ट हुआ है लॉकडाउन की वजह से, यानी कि लोगों को मेंटली जो लोगों को बुरा लग रहा है, स्ट्रेस में है, ठीक है, साइकोलॉजिकल तरीके से जो उन पर इफेक्ट पड़ा है लॉकडाउन का, उस चीज़ के बारे में ये इनिशिएटिव इसलिए लाया गया ताकि तो वो इन्फॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, और मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू ओवरकम द ओवरकम दैम, और हमें वो सॉल्यूशंस बताएगा। ठीक है, मतलब कि हमें उपाय बताएगा कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें पॉजिटिवली, ठीक है, और बाहर निकलें इस चीज से। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 था वो हटा दिया गया था लास्ट ईयर 2019 में, तो अक्टूबर से अभी जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसलिए वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर इज एज रमेश श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैज लॉन्च्ड एन इग्नू ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम्स इन हिंदी बाय द फेसबुक लाइव सेशन। ठीक है, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने लॉन्च किया है इग्नू ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम हिंदी में फेसबुक के द्वारा लाइव सेशन करवा रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथ, यानी कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्ट्रेंथ यानी कि बढ़ाएं इस चीज को, पढ़े इंडिया ऑनलाइन इनिशिएटिव्स को। ठीक है, अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक MOU जो कि साइन किया गया है NTPC लिमिटेड के द्वारा और ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड के द्वारा, ताकि तो वो जॉइंट वेंचर कर सके रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को लेकर के, यानी कि भारत अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर दे रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आते हैं आपकी सोलर एनर्जी है, आपकी वाइंड एनर्जी है, ठीक है, ये आते हैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में। A scheme has been launched by the central government for a complete solarization of a Konark Sun Temple and Konark Town in Odisha to develop a historical sun temple town of Konark as a Surya Nagari. ठीक है, एक स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कि जो सूर्य मंदिर है कोणार्क यानी कि उड़ीसा का, उसको सोलराइज किया जाएगा, यानी कि वो मंदिर कंप्लीट तौर पर सनलाइट से जलेगा। ठीक है, और एक हिस्टोरिकल डेवलप किया जाएगा एक हिस्टोरिकल सूर्य मंदिर को। ठीक है, सूर्य जो सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है कोणार्क का एज अ सूर्य नगरी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एयरटेल अफ्रीका एंड यूनिसेफ इज अ पार्टनर टू सपोर्ट द चिल्ड्रंस एंड फैमिलीज अफेक्टेड बाय द COVID-19। ठीक है, एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ ने पार्टनरशिप की है ताकि तो वो सपोर्ट कर सकें जो भी चिल्ड्रंस हैं, फैमिलीज हैं जो अफेक्टेड हुई हैं COVID-19 से, यानी कि कोरोना पॉजिटिव हैं, इस चीज़ से अफेक्ट हुई हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, वो एक जॉइंट वेंचर इन्होंने बनाई है जिस पार्टनरशिप का एम क्या है कि वो प्रोवाइड कराएंगे चिल्ड्रंस को विथ एक्सेस टू अ रिमोट लर्निंग एंड एनेबल एक्सेस टू अ कैश असिस्टेंट फॉर दियर फैमिलीज थ्रू द मोबाइल कैश ट्रांसफर।
ठीक है, मतलब कि इसका इस जो पार्टनरशिप का मेन एम क्या है कि प्रोवाइड करवाना चिल्ड्रंस को, यानी कि बच्चों को जो रिमोट एरियाज में एक रिमोट लर्निंग अनेबल एक्सेस प्रोवाइड करवाना, ठीक है, यानी कि उनकी एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, उनको ऑनलाइन एजुकेशन एक एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, यानी कि डिजिटली पढ़ाना, ठीक है, और साथ ही साथ एक कैश असिस्टेंस यानी कि कुछ हेल्प करना कैश में, कुछ देना उनकी फैमिलीज को, ठीक है, थ्रू द मोबाइल कैश ट्रांसफर, जो मोबाइल कैश ट्रांसफर ऐप है, ठीक है, ऑनलाइन मतलब डिजिटली उनको दिया जाएगा। और द पार्टनरशिप विल बेनिफिट द चिल्ड्रंस एंड फैमिलीज ऑफ, ये पार्टनरशिप जो कि बेनिफिट करेगी, फायदा पहुंचाएगी जो भी चिल्ड्रंस और फैमिलीज हैं 13 कंट्रीज की, लाइक सब सहारन अफ्रीका, जैसे कि जिम्बिया है, कॉन्गो है, नाइजेरिया है, गैबॉन है, केनिया है, मडगास्कर है, मालावी है, नाइजर है, रवांडा है, तंजानिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है, युगांडा है और चांद, ठीक है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिड्यूस द पॉलिसी रेपो रेट टू 4%, ठीक है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने आपका जो रेपो रेट है उसको 4% कर दिया, रिड्यूस करके 4% ले आएगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैज लॉन्च द राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, उन्होंने लॉन्च किया है राजीव गांधी सॉरी किसान न्याय योजना, ताकि तो वो मार्क कर सके 29th एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर पीएम राजीव गांधी, ठीक है ना, जो हमारे फॉर्मर पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी की याद में, उनके एनिवर्सरी की याद में। द स्कीम लॉन्च्ड विद द फाइनेंशियल आउटलेट, ये स्कीम लॉन्च करेगी एक फाइनेंशियल आउटलेट जो है, आउटलेट जो कि 5,700 करोड़ रुपए का। इसका एम क्या है कि स्टिमुलेट द इकोनॉमी ऑफ द रूरल एरिया, ताकि तो रूरल एरियाज की जो इकोनॉमी है स्टेट में, जो रूरल एरियाज हैं उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करना, यानी कि वहाँ पर फोकस करना, ठीक है, जो कि COVID-19 की सिचुएशन की वजह से क्राइसिस की जो सिचुएशन आ गई है, जो वो लोग क्राइसिस को झेल रहे हैं, उस चीज से उन्हें बाहर निकालने के लिए, ठीक है। दिस स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द छत्तीसगढ़ बजट 2020 और 21, ये स्कीम अनाउंस की गई है छत्तीसगढ़ सरकार की गवर्नमेंट के बजट 2020-21 में, ठीक है। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे जो कि सेलिब्रेट किया गया है 22 मई को, और इसका जो थीम थी वो क्या थी, अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, यानी कि हमारे सारे उपाय नेचर में ही हैं, ठीक है, तो हमें अपनी प्रकृति को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो ये मैंने ब्लू लाइन से लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे जो सेलिब्रेट किया गया है 22 मई को, ठीक है, 22 मई को, तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने उसको ब्लू कर दिया है कि ये एक पॉइंट है और उसके नीचे ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूनाइटेड नेशन फ्रेम्ड द 20 ग्लोबल एक्शन एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड बिटवीन द 2010 से लेके 2020 तक, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने फ्रेम्ड किए हैं, बनाए हैं 20 ऐसे ग्लोबल एक्शन, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट किए गए 2010 से 2020 के बीच में, इस स्ट्रेटेजिक प्लान को, जो स्ट्रेटेजिक प्लान है डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजी, इसको बोला गया स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर डाइवर्सिटी, और जो 2020 ईयर्स है जिसको बोला गया सुपर ईयर फॉर डाइवर्सिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी कौन सा ईयर है, तो वो है 2020। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स, इसका मतलब क्या है, द लाइफ ऑन अर्थ कंस्टिट्यूट अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसका मतलब है कि जो लाइफ है यानी कि जीवन है पृथ्वी पर वो कंस्टिट्यूट है, यानी कि बना हुआ है काफी सारी वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यहाँ पे काफी सारी वैरायटीज में तरह तरह की चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिल सकते हैं, इन सब से मिल करके ये बना हुआ है बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना। अब देयर आर एटलीस्ट 8 मिलियन स्पीसीज ऑन दिस प्लेनेट, मतलब कि कम से कम 8 मिलियन स्पीसीज जो है, प्रजातियां हैं प्लेनेट में, इंक्लूडिंग प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है, इन सब चीजों को इंक्लूड करके, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है एक डिटेल में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए, बिकॉज डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं 25 मई से, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि इसमें लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें अलाउड हैं और कौन क्या क्या चीज़ें नहीं अलाउड है पैसेंजर्स को, क्रू मेंबर्स को एयरपोर्ट में। जैसे कि बैगेज का सैनिटाइजेशन होगा, यानी कि जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे क्रू मेंबर्स हो पैसेंजर्स हो, हर किसी के बैग को सैनिटाइज किया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग होगी, यानी कि आपके टेम्परेचर को चेक किया जाएगा कि आपको फीवर तो नहीं है। हर किसी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा ताकि तो उन्हें अपडेट मिलता रहे कि उनके आसपास कौन कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग जो कि आपको मैंडेट करनी ही होगी, बिकॉज इट इज़ अ मैंडेटरी तब तक जब तक कि कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती, ठीक है। जस्टिस संगीता धिंगरा सैगल, ठीक है, संगीता धिंगरा सैगल जो कि जज बनी है, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, जस्टिस संगीता धिंगरा सैगल द जज ऑफ द दिल्ली हाईकोर्ट, ये जो कि जज है दिल्ली हाईकोर्ट की, विल सून टेक चार्ज एज द प्रेजिडेंट ऑफ DSCRC दिल्ली स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, ठीक है, उसकी प्रेजिडेंट बनने वाली है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम द लोकल डीलर्स अंडर द फ्लैगशिप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, ठीक है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अभी उसने रिसेंटली अप्रूव्ड किया है कि रिसेंटली अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट को लेके आई है, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रही है कि जिसमें जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो लोकल, जो लोकल डीलर्स हैं, ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के तहत उन लोगों से ही बनवाए जाएंगे। यानी कि जो भी डिफेंस से रिलेटेड, आज तक क्या होता था, डिफेंस को बड़ा सिक्योर माना जाता था, तो जो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ही डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, ठीक है, जो भी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने हैं। तो अभी हमारे देश में हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो उसके लिए अभी क्या कर रहे हैं कि हर उन्होंने जोर दिया है लोकल फॉर वोकल करके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ये एक प्रोक्योरमेंट को अप्रूव किया है कि हम लोकल डीलर से ही, ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के तहत लोकल डीलर को मौका देंगे, ठीक है, इक्विपमेंट्स बनाने का। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड अ ऑर्डर नेम्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट, यानी कि प्रीफ्रेंस टू मेक इन इंडिया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इशू किया हुआ है एक नॉर्म, ठीक है, ऑर्डर जिसका नाम है पब्लिक प्रोक्योरमेंट, यानी कि प्रेफरेंस दी जाएगी मेक इन इंडिया को। द ऑर्डर 2017 फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया जो कि आया था 2017 में, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की, जो भी गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होंगे इंडिया में ही, ठीक है। तो इसके तहत क्या है, अंडर दिस ऑर्डर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन नोटिफाइड 127 आइटम्स। तो इस ऑर्डर के तहत 127 आइटम ऐसे हैं जिन्हें नोटिफाइड किया गया है डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। द वर्ल्ड टर्टल डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 23 मई, ठीक है, जो वर्ल्ड टर्टल डे है उसको 23 मई को मनाया जाता है, और ये 2000 से मनाया जा रहा है ताकि तो स्प्रेड कर सकें अवेयरनेस को अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट टर्टल्स एंड टॉर्टोइज, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैव बीन लॉन्च्ड अ वेदर सर्विस इन उमंग ऐप। इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने लॉन्च की है एक वेदर सर्विस के लिए एक उमंग ऐप को, ठीक है। ये जो ऐप है ये सर्विस हमें बताएगी कि करंट वेदर कैसा है, ठीक है, सिटी फॉरकास्ट के बारे में, रेनफॉल यानी कि बारिश होने वाली है कितनी होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, टूरिस्ट फॉरकास्ट के बारे में वार्निंग्स देगी, हमें साइक्लोन के बारे में बताएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनोग्रेटेड द एवरीबडी विल गेट अ एम्प्लॉयमेंट स्कीम थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इनोग्रेट किया है, ठीक है, कि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा
ठीक है, एवरीबडी विल गेट ए एम्प्लॉयमेंट है, हर कोई बंदे को, हर कोई बंदा जो भी प्रवासी है, ठीक है, बाहर से आया, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस स्कीम को लॉन्च किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या है कि मनरेगा जॉब कार्ड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लेबर्स, ठीक है, जो मनरेगा जॉब कार्ड्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लेबर्स को, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट, जो भी प्रवासी मजदूर है स्टेट गवर्नमेंट कमिटेड है कि वो प्रोवाइड करवाएगी एम्प्लॉयमेंट उनको, ठीक है, माइग्रेंट लेबर्स को, और दोज लेबर्स हु आर गॉन आउट ऑफ स्टेट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उनको, ठीक है, जो लोग स्टेट से चले गए थे दूसरे स्टेट में एम्प्लॉयमेंट की खोज में, ठीक है। एंड इन दियर विलेजेस एंड ग्राम पंचायत एरियाज आर इटसेल्फ, यानी कि उनके गांव में ही, उनके ग्राम पंचायत के एरिया में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री सेड द लोकस्ट स्वाम फ्रॉम द पाकिस्तान हैव बीन इंटर्ड द राजस्थान पंजाब हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, ठीक है ना। एनवायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर मिनिस्ट्री, ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर कौन है एनवायरमेंट और फॉरेस्ट, वो है प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है। इस मिनिस्ट्री ने बोला है कि टिड्डियां, ठीक है, न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा कि टिड्डियां, पाकिस्तान से टिड्डियां आ गई हैं, ठीक है, जिन्होंने राजस्थान पंजाब हरियाणा और मध्य प्रदेश में इंटर कर दिया है, और वो क्या कर रहे हैं कि डैमेज कर रहे हैं जो भी खड़ी फसल है, कॉटन की, कपास की खेती को, और आपके सब्जियों की खेती को जो हो रही है, ठीक है। और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है इससे। करंट ड्यूरिंग द करंट ईयर द स्वार्म ऑफ लोकस्ट हैव एंटर्ड इंडिया अर्लियर देन द नॉर्मल टाइम ऑफ जून एंड जुलाई, यानी कि अभी करंट ईयर की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली ये क्या होते थे कि जून और जुलाई में आते थे, लेकिन इस बार इन्होंने एक महीने पहले ही इंटर कर लिया है, यानी कि ये मई में ही आ गई हैं, ठीक है। केला हेल्थ मिनिस्टर इज अ के सैलजा इनोग्रेटेड द केला कार्टून एकेडमी ब्रेक द चेन कैंपियन, ठीक है, जो केला के हेल्थ मिनिस्टर है के सैलजा, उन्होंने इनोग्रेट किया है एक केला कार्टून एकेडमी, ठीक है, जिसका नाम है ब्रेक, जो एक कैंपियन दिया है ब्रेक द चेन, यानी कि कोविड 19 के अगेंस्ट इन्होंने एक कैंपियन निकाला है ब्रेक द चेन। A number of well-known cartoonists participated in the event and painted a cartoon on a walls to spread the awareness among the peoples about this campaign. ठीक है, जो भी well-known बड़े-बड़े cartoonists हैं वो participate कर रहे हैं इस event में और paint कर रहे हैं, ठीक है, cartoons को wall में, ताकि तो information जो भी COVID-19 के against की उससे कैसे fight करना है, उसके लिए जो भी norms rules सरकार ने बनाए हैं, ताकि तो वो लोगों के बीच में एक information स्प्रेड फैला सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें, ठीक है। इन द फर्स्ट फेज इज अ 14 सिटीज, पहले फेज में 14 सिटीज 14 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है कंप्लीट की कंप्लीट कार्टून ड्राइंग्स के लिए, ठीक है, और जो नेक्स्ट फेज होगा इसमें इसको एक्सटेंड किया जाएगा बाकी की 28 सिटीज में, ठीक है। गवर्नमेंट एलोकेटेड और रुपीज 500 करोड़ टूवर्ड्स द बी कीपिंग अंडर द आत्मनिर्भर भारत, ठीक है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए, यानी कि 500 करोड़ रुपए दिए हैं बी कीपिंग इंडस्ट्री को, बी कीपिंग को अंडर द आत्मनिर्भर भारत जो कैंपेन था उसके, जो स्कीम अभी चली है, कैंपेन चला हुआ है आत्मनिर्भर भारत उसके उसके लिए, ठीक है। गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द बी कीपिंग एज अ पार्ट ऑफ इट्स एम टू डबल द फार्मर्स इनकम, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है बी कीपिंग, यानी कि मधुमक्खी का पालन, ठीक है, बी कीपिंग, तो इस चीज को वो प्रमोट करिए ताकि तो इस एम के साथ, ताकि तो वो फार्मर्स की इनकम को डबल कर सके। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड टॉप 5 हनी प्रोड्यूसर, यानी कि भारत टॉप 5 जो विश्व के देश हैं हनी प्रोडक्शन में, उनमें भारत टॉप 5 में आता है, ठीक है। As evident by rising the honey export, beekeeping will be an important factor in achieving the goal of doubling the farmer income by 2024. यानी कि rise करना honey के export को, शहद के export को बढ़ाना, ठीक है, तो beekeeping जो कि एक important factor है achieve करने के लिए, यानी कि मधुमक्खी का पालन जो कि काफी important factor है achieve करने के लिए इस goal को, ताकि तो हम double कर सकें farmers की income 2024 तक, ठीक है। The government has launched a honey mission, government ने launch किया एक honey mission जो कि पार्ट है स्वीट रिवॉल्यूशन, यानी कि मीठी क्रांति का पार्ट है, ठीक है। विच हैज अ 4 कंपोनेंट एंड इवन अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैन अडॉप्ट द बी कीपिंग सिंस द इन्वेस्टमेंट इज लो एंड रिटर्न हाई, ठीक है। इसमें सरकार ये चाहती है
कि जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, किसान हैं, वो अडॉप्ट करें इस स्कीम को, यानी कि मधुमक्खी पालन को एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें। और क्या है इसमें कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अनाउंस्ड द सेल ऑफ 2.32% स्टेक इन इट्स डिजिटल यूनिट टू यूएस प्राइवेट इक्विटी जॉइंट केकेआर फॉर 11,367 करोड़। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया है कि वो 2.32% स्टेक अपने, यानी कि अपने शेयर्स को वो बेचने वाली है, ठीक है, जो उसकी डिजिटल यूनिट, एक डिजिटल यूनिट है जो यूएस की प्राइवेट इक्विटी जॉइंट, जिसको केकेआर नाम है जिस कंपनी का, ठीक है, 11,367 करोड़ में, ठीक है। ये दिस इज द फिफ्थ डील इन 4 वीक दैट विल इंजेक्ट कंबाइंड, ठीक है, ये पांचवी डील है 4 हफ्तों में जिसने कि जिसका जो कंबाइंड मतलब कि सेल का जो पैसा है वो क्या है 78,562 करोड़, यानी कि 78,562 करोड़, ठीक है। और केकेआर जो कि लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है एशिया में, यानी कि केकेआर का जो इन्वेस्ट किया गया है, ये केकेआर का जो कि लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है अभी एशिया में, ठीक है। 8-time ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विनर इज एशले कोपर हैज डाइड एट द एज ऑफ 83, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड अ 15,000 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो एक्सटेंड करेगी, यानी कि बढ़ाएगी 15,000 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सिम बैंक को। एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो भी लोन लेना है तो ये बैंक प्रोवाइड करवाता है इंडियन मर्चेंडाइजर्स को, ठीक है, फॉर 90 डेज, 90 दिन के लिए, ताकि तो मिल सके फॉरेन करेंसी के जो भी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है उन तक उनको पूरा किया जा सके, ठीक है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड कराता है एक फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि फाइनेंशियल लोन बोल सकते हैं प्रोवाइड करवाता है एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, ठीक है, विद अ व्यू टू प्रमोटिंग द कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड, इस व्यू के साथ कि हम कंट्री के इंटरनेशनल यानी कि भारत के इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन अ व्यू ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक, ठीक है, इस चीज को देखते हुए COVID-19 की जो क्राइसिस है उसको देखते हुए, ठीक है, द ग्लोबल ट्रेड हैज कॉन्ट्रैक्टेड शार्पली एंड ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट हैज टर्न हाईली वोलेटाइल एंड रिस्क एवरेज, ठीक है। ये जो कदम उठाया गया RBI के द्वारा 15,000 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट देने का एक्सिम बैंक को, इस वजह से क्योंकि COVID-19 की वजह से काफी सारे क्राइसिस हो रहे हैं, ठीक है, क्राइसिस हुए हैं, यानी कि ग्लोबल मार्केट अभी ठप पड़ा हुआ है, ठीक है, ज्यादा बिजनेस नहीं है, ETC वगैरह वगैरह, ठीक है, इन सब को देखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा गेट्स इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल वाटरवे रिवर गोमती अप्रूव्ड एज अ इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट, यानी कि त्रिपुरा को अपना पहला इंटरनेशनल वाटरवे मिला, यानी कि पानी से आयात और निर्यात करने के लिए, ठीक है ना, इंटरनेशनल वाटरवे मिला है रिवर गोमती पर, जो कि अप्रूव्ड किया गया है, ठीक है, इंडो और बांग्ला प्रोटोकॉल यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के प्रोटोकॉल रूल में, ठीक है। सोनमुरा और दूधकांडी रूट ऑन त्रिपुरा रिवर गोमती एंड राजशाही और धुलियान राजशाही रूट जो कि एडिट किए गए हैं इस लिस्ट में, ठीक है, ये दो रूट हैं जिनको ऐड किया गया है इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल की प्रोटोकॉल का जो प्रोटोकॉल था उसमें प्रोटोकॉल रूट में, ठीक है। द प्रोटोकॉल ऑन ट्रांजिट एंड ट्रेड, ये जो प्रोटोकॉल है ट्रांजिट और ट्रेड में थ्रो इनलैंड वाटरवे वाज फर्स्ट साइंड, ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल ऑन ट्रांजिट एंड ट्रेड यानी कि इनलैंड वाटरवे, वाटरवे के थ्रू ये पानी, ठीक है, नदियों के थ्रू या ठीक है इनलैंड वाटरवे के थ्रू जो कि पहली बार साइंड हुआ था द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में 1972 में, यानी कि 1972 में इसे पहली बार साइन किया गया था इनलैंड वाटरवे की, यू नो इनलैंड वाटरवे की जरूरत को देखते हुए, ठीक है। अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास 10 भारत और बांग्लादेश के प्रोटोकॉल रूट्स हैं, ठीक है गाइस, ये उन जो SSC, ठीक है, और RRB NTPC और UPSC और MPSC वगैरह अदर स्टेट सर्विस के PCS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सोलर मिनिमम
ठीक है, सोलर मिनिमम इट्स थोड़ा सा टफ था, दैट्स द रीजन कि मैंने इसे हिंदी में लिखा है, ताकि तो इंग्लिश वालों को और हिंदी वालों को सबको समझ आ जाएगा ये, ठीक है, इजी पड़ेगा। तो सोलर मिनिमम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट अभी करंट में हुआ है कि लॉकडाउन में सूरज, अगर इसको देखा जाए लोकल लैंग्वेज में अगर बोले तो सूरज जो है वो लॉकडाउन में है, तो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि धरती पर तबाही की आशंका की जा रही है, ठीक है। सोलर मिनिमम इफेक्ट है, यानी कि सूरज के उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि सूरज के लॉकडाउन यानी कि सन के लॉकडाउन में चले जाने के कारण क्या है कि दुनिया भर के जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं यानी कि स्पेस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने चिंता जताई है, क्योंकि इस दौरान क्या है, सूर्य के सतह पर सौर विकिरण यानी कि सूर्य के जो सरफेस है वहाँ पर जो सोलर रेडिएशन है सौर विकिरण में कुछ आश्चर्यजनक यानी कि अनएक्सपेक्टेड रूप से, ठीक है, कमी आई है। तो वैज्ञानिकों ने साइंटिस्ट ने इसे सोलर मिनिमम का नाम दिया है, ठीक है, और इसके प्रभाव से क्या होगा, इसके कारण धरती पर पृथ्वी पर भूकंप आ सकता है, बहुत ज्यादा ठंड हो सकती है या सूखा पड़ सकता है, ठीक है, इन सब चीजों की आशंका जताई गई है। तो लॉकडाउन में गया सूरज और धरती पर तबाही की आशंका, ठीक है गाइस, ये इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि आप लोगों को सबको समझ आ जाएगा। बात करते हैं सूरज की सतह पर सोलर स्पॉट में वृद्धि और मैग्नेटिक फील्ड पहले से कमजोर हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, सोलर मिनिमम की वजह से क्या हुआ कि सूरज की सतह पर जो सोलर स्पॉट्स में वृद्धि आई, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर हुआ है और कॉस्मिक रेंज में बढ़ोतरी हुई है, वो बड़े हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स एंड धरती के वायुमंडल के लिए खतरनाक है, ठीक है, ये हमारे जो धरती का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसके लिए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के लिए खतरनाक है, और डाल्टन मिनिमम से धरती पर आ चुकी पहले भी तबाही है, ठीक है, मतलब कि डाल्टन मिनिमम करके एक ऑलरेडी पहले ऐसा हुआ है जिससे धरती पर ऑलरेडी पहले से ही तबाही आ चुकी है, यानी कि साइंटिस्ट इस तबाही को देखते हुए ये आशंका जता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि सोलर मिनिमम से भी ऐसा ही कुछ हो, तबाही हो सकती है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ अ रीस्टार्ट पैकेज, ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उसने रिलीज किया है पहला जो ट्रेंच है रीस्टार्ट पैकेज का, ताकि तो वो हेल्प कर सके लॉकडाउन में, लॉकडाउन से हिट हुई, ठीक है, लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को, ताकि तो उन्हें दोबारा से खोला जा सके और उन्हें दोबारा से फंक्शनल बनाया जा सके। फर्स्ट ट्रेंच में क्या है कि 450 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, अंडर द रीस्टार्ट पैकेज गवर्नमेंट विल वेव ऑफ ऑल द मिनिमम पावर डिमांड चार्जेस ऑफ MSME ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून, ठीक है, जो ये रीस्टार्ट पैकेज है इसके तहत क्या करेगी कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो वेव करेगी जो भी मिनिमम पावर डिमांडेड चार्जेस होते हैं उन सबसे उन्हें थोड़ा सा छूट दी जाएगी, ठीक है, एमएसएमई को अप्रैल मई और जून तीन महीनों में, और उन्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा एक इनपुट कैपिटल, ठीक है, 200 करोड़ का फर्म्स को लो इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि उन्हें लोन दिया जाएगा, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट पर, ताकि तो वो वापस पटरी पर आ सके, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश की, ये है YS जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वाभूषण हरिश्चंद्रा, ठीक है। मिजोरम कैबिनेट हैज ग्रांटेड द इंडस्ट्री स्टेटस टू द स्पोर्ट्स, मिजोरम की गवर्नमेंट ने क्या करा है कि स्पोर्ट्स को उन्होंने इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है, ठीक है, ताकि तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके स्पोर्ट्स में और वो जनरेट कर सके एम्प्लॉयमेंट को और इंक्रीज कर सके उसकी वैल्यू को, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है आपके मिजोरम के, प्यू जोरा मथंगा, ठीक है, और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। FCCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड आसाम बेस्ड एंटरप्रेन्योर जहानाबी फोकन एज इट्स अ नेशनल प्रेसिडेंट, ठीक है। FICCI जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपॉइंट किया है आसाम की एक बिजनेस वूमेन है, ठीक है, जिनका नाम है जहानाबी फोकन, उनको एज अ नेशनल प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ सिस्टम का इशू है, ठीक है। अब है अभ्यास
झा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर फॉर अ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया. ठीक है, आभास झा जो ने अपॉइंट किया गया है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का प्रैक्टिस मैनेजर क्लाइमेट चेंज के लिए और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया के लिए. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है, लीड करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, और इनकी जो पोजीशन होगी टीम में वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की होगी, जो कि इन्हें जो कि प्रोवाइड करवाएंगे एक बेस्ट सॉल्यूशन साउथ एशियन कंट्रीज के लिए. ठीक है, इंडियन हॉकी के लीजेंड जो थे बलवीर सिंह दोसांझ जो कि जिनकी डेथ हो गई है. ठीक है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक श्रम सिद्धि अभियान ताकि तो प्रोवाइड कर सके जॉब्स लेबर्स को, जो भी लेबर्स अभी आई है लौट करके अपने स्टेट्स, ठीक है, इस श्रम सिद्धि अभियान के तहत उन्हें जॉब प्रोवाइड करवा सके. लालजी टंडन इज एन इंडियन पॉलिटिशियन सर्विंग इज अ 22nd करंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, सॉरी, India has become the second largest manufacturer of PPE kit in the world after China. India विश्व में second largest manufacturer बन गया PPE kit का. ठीक है, world में China के बाद. ठीक है, the United States will withdraw from the 35 nations open skies treaty and which allowed the unarmed surveillance flight over the member countries. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ने अभी विड्रॉ किया है जो 35 नेशंस की ओपन स्कीज ट्रीटी थी. ठीक है, जिसमें कि अलाउ किया गया था अनआर्म्ड सर्विलेंस फ्लाइट ओवर द मेंबर कंट्रीज. ठीक है, द ट्रीटी ओपन स्कीज इंटर्ड इनटू एन फोर्स 1 जनवरी 2002 को ये संधि हुई थी. ठीक है, जिसमें कि करेंटली 35 स्टेट्स थे, यानी कि देश थे. इट इस्टेब्लिश अ प्रोग्राम, इसने इस्टेब्लिश किया था एक ऐसा प्रोग्राम जो कि अनआर्म्ड एरियल सर्विलेंस फ्लाइट जो कि ओवर द इंटायर टेरिटरी ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स, यानी कि इन्होंने क्या करा था कि एक प्रोग्राम जिसमें कि एक अनआर्म्ड एरियल सर्विलेंस फ्लाइट जिसे कि चलाया जा सकता है ओवर द इंटायर टेरिटरी ऑफ द इट्स पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो भी इस संधि के पार्टिसिपेंट हैं, जो भी 35 पार्टीज हैं, उनकी टेरिटरी में चलाया जा सकता है इंटायरली. ठीक है, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे एज ए इंटरनेशनल डे ये सेलिब्रेट किया गया जाता है 25 मई को. ठीक है, United Nations has listed Hudol of Manipur as one of the top 10 global initiative to fight COVID-19 pandemic. ठीक है, United Nations ने list किया है, ठीक है, listed किया है Hudol of Manipur, मणिपुर के Hudol को, ठीक है, top 10 global initiatives ताकि तो हम fight कर सके COVID-19 pandemic. तो खुडोल इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया था इम्फाल बेस्ड एक एनजीओ इज या ऑल के द्वारा. ठीक है, द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है, मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को, और डेवलप करना एक फ्रेंडली रिलेशंस देशों के अमंग द नेशंस, यानी कि सारे देशों के बीच में, और अचीव करना एक इंटरनेशनल कॉपरेशंस को, एंड बी द सेंटर ऑफ हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ अ नेशंस. ठीक है, और जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में. इंडिया हैज हैंड ओवर द वॉर गेम सेंटर, इंडिया ने हैंड ओवर किया है एक वॉर गेम सेंटर जिसका नाम है इंडिया टू द युगांडा People's Defense Force. ठीक है, the state of the art military training facilities was handed over by the Indian Association Uganda. ये जो state of art military training facilities थी ये handover की गई है Uganda को. ठीक है, Indian Association of Uganda के द्वारा in association with the Indian Military Advisory. Indian Military Advisory के साथ जुड़ करके इस initiatives को इन्होंने चलाया. ठीक है, लेके आए the training team of the UPDE. ठीक है, एडवाइजरी एंड द ट्रेनिंग टीम ऑफ द यूपीडी. इंडियन नेवी हैज फॉर्म्ड, इंडियन नेवी ने नव रक्षक पीपी किट को बनाया है. ठीक है, इंडियन नेवी ने फॉर्म किया भी नव रक्षक पीपी किट, एक ये क्या है विद अ इनोवेटिव ब्रीथेबल फैब्रिक मटेरियल. ये एक इनोवेटिव ब्रीथेबल, यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, ये एक ऐसा मटेरियल है.
ठीक है, द पीपी किट प्रोवाइड कंफर्ट टू द हेल्थ केयर वर्कर्स वर्किंग अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक। ये जो पीपी किट है ये क्या करेगा कि प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स को एक कंफर्ट, ताकि तो वो ठीक है जो वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक एंड जो कि वियर करते हैं, पहने रहते हैं एक मल्टी लेयर्ड कवर ऑल पीपी, ठीक है, जो जब वो ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में, मतलब कि 10 घंटे के लिए 12 घंटे के लिए उन्हें पहनना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कत हो रही है, ठीक है। REC लिमिटेड एंड ताज सेट्स टू प्रोवाइड अ मील टू द फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स अलोंग विद द पुअर डेली वेजेस लेबर्स अक्रॉस द नेशंस, ठीक है। ये तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि ये प्रोवाइड करवाएंगे खाना, एक फुल ऑफ न्यूट्रिशन वाला हेल्दी फूड जो भी फ्रंट लाइन के हेल्थ वर्कर्स हैं और साथ ही साथ उन गरीब लोगों को जो डेली वेजेस पे काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर टू प्रमोट द हेल्थ थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, जहाँ पे वो दोनों मिलकर वर्क करेंगी, प्रमोट करेंगी हेल्थ को स्पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है, और फिजिकली एक्टिविटीज के थ्रू, एंड दे हैव टीम्ड अप टू फाइट द बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये इसलिए टीम्ड अप किया है, इस तरीके का एग्रीमेंट इसलिए लाया ताकि तो हम फाइट कर सकें कोरोना वायरस के अगेंस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड लक। बाय बाय।